मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। अरे मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया। आराम से बोल रहा हूँ, रुक तू बैठ, मैं शेर को मार के आ रहा हूँ। मैं सामने से आ रहा हूँ उस रूम से। ऐसे हैं जो मेरे को पढ़ने देने ही नहीं, मतलब अभी स्टार्ट कर रहा था और ये बंदा आ गया। मैंने कहा ब्लॉग करते रहो, कम ऑन। अच्छा हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो। सो गाइस, ये जो ब्लॉग है कोई मैं स्पेसिफिक टॉपिक पे नहीं बना रहा हूँ, जस्ट अ रैंडम डे ब्लॉग है। ऐसी स्टार्ट कर दिया, टाइप ऑफ डेली ब्लॉग भी कह सकते हो, बट ये पूरे दिन का ब्लॉग नहीं है। एक्चुअली मैं कंबाइंड ब्लॉग बना रहा हूँ, तो दो तीन दिनों का मिला के एक तरीके से एक हफ्ता ही चलाऊंगा शायद मैं। बिकॉज अभी जब तक मेरे एग्जाम्स है तब तक मतलब मेरी लाइफ कुछ मतलब मेरा एक ही शेड्यूल चलता है। मतलब मैं सुबह उठता हूँ, जिम जाता हूँ एंड थोड़ी देर वीडियोस बनाता हूँ उसके बाद, और फिर उसके बाद 3 बजे से लेकर 9 बजे तक मेरी ट्यूशन वगैरह होती है। तो कुछ चेंज नहीं है, तो इसलिए अभी डेली ब्लॉगिंग तो नहीं कर रहा हूँ। बट या मैं एक हफ्ते में जो जो चीज़ें मतलब अलग अलग चीज़ें करता रहूँगा उनको मैं रिकॉर्ड करता रहूँगा, मैं आप सबको बताता रहूँगा कि आज डे 2 है, डे 3 है, ये सब कुछ। सो जस्ट मैं इसलिए वाला ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल आज डे 1 है, तो हम डे 1 से स्टार्ट करते हैं एंड जो भी पूरे वीक में करता रहूँगा तो मैं थोड़ा थोड़ा आप सबको दिखाता रहूँगा। सो या एंड एग्ज़ाम के बाद हम देखेंगे डेली ब्लॉगिंग का, क्योंकि उसके बाद मेरा थोड़ा शेड्यूल चेंज हो जाएगा। बट अभी ट्यूशन वगैरह, तो इसलिए मैं कुछ रिकॉर्ड तो कर ही नहीं पाऊँगा ज़्यादा, तो इसीलिए मैं 2-3 दिनों का एक साथ ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो या लेट्स स्टार्ट। गाइस, अभी जस्ट मैं ट्यूशन वगैरह से होके आया हूँ एंड जैसे ही मैं घर आया हूँ देखो मेरे को क्या मिला। मेरा पूरा रूम फैला हुआ है, पापा मम्मा समेट रहे होंगे तो ये सब कुछ निकाल रखा है, सारा सामान वगैरह। सो गाइस, फिलहाल अभी मैं दूसरी ट्यूशन से भी आ चुका हूँ, और एक तो बोर्ड्स के चक्कर में मेरी पूरा टाइम तो ट्यूशन से चलती रहती है, ऐसा लगता है बस पढ़ ही रहा हूँ। मतलब 3 से लेकर 9 बजे तक लगातार ट्यूशन चलती है, 3 से 4, फिर 4 से 5, फिर 1 घंटे का मतलब बीच में गैप मिलता है जिसमें थोड़ा बहुत खा पी लेता हूँ, फिर 6 से 7, फिर 7 से 8, ऐसे ऐसे चल रही है पूरा ट्यूशन। मतलब आज एक ट्यूशन की छुट्टी थी शुक्र है, बट रोज़ ऐसे ही चलती है, तो बहुत हालत ख़राब हो चुकी है। एंड अभी आज मैं सोच रहा हूँ कि अपना थोड़ा सा ना डाटा वगैरह ट्रांसफ़र कर लेता हूँ फ़ोन का, क्योंकि फ़ोन काफ़ी ज़्यादा भर चुका है। मैं एक सेकंड दिखाता हूँ, ये देखो इस टाइम मेरे फ़ोन की स्टोरेज 256 है, तो पूरी 256 भरी पड़ी है इस टाइम। तो अभी जस्ट मैं ट्रांसफ़र ही कर रहा था पूरा फ़ोन का डाटा। एंड मैंने पता कल अपनी हार्ड डिस्क में 900 GB का पुराना डाटा ट्रांसफ़र करा था, तो भाई साहब मेरे को समझ नहीं आता मेरा फ़ोन इतना ज़्यादा क्यों भरता है। आज ही बहुत ज़्यादा भर चुका है, तो आज इसे ट्रांसफ़र करते हैं। इसमें कम से कम 2 घंटे या 3 घंटे आराम से लगते हैं, तो बहुत ही ओखा काम है, बट कोई बात नहीं करते हैं। इसके बाद मैं अपना पूरा फ़ोन खाली कर दूंगा एक बारी को, क्योंकि बैकअप तो हो ही जाएगा। तो आज ये करते हैं काम, उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे। इट्स 1:50 AM, मतलब अभी मैं क्या बताऊँ, मैं 3 या 4 घंटे से लगा हुआ हूँ, अभी भी आखिरी फोल्डर रह रहा है और ये पता नहीं अभी 20 मिनट लेगा ये भी। एंड मेरी हालत इतनी ज़्यादा मतलब अभी ख़राब हो रही है, और सुबह जिम भी जाना है, समझ नहीं आ रहा है कब ख़त्म होगा। एक तो इसे बीच में मतलब छोड़ के सो भी नहीं सकता, क्योंकि कभी कभार ना कैंसिल हो जाता है अपने आप, और मैं चाह रहा हूँ आज मैं इसे पूरा निपटा ही दूँ। और अभी भी देखो कितना सारा रह रहा है, कम से कम 20 मिनट तो अभी ये लेगा, क्योंकि था भी इतना ज़्यादा 256 GB, अगर 10-12 होता तो आधे घंटे में हो जाता है, बट ये 256 ने तो दम पी लिया। अंदर से ना आधा आधा करके चलूँगा, एकदम से करता हूँ ना तो बहुत टाइम लग जाता है। अभी मेरी बहुत मतलब इतनी तेज़ नींद आ रही है मेरे को, बट ये हो तभी तो मैं सोऊं जाके। अभी पता नहीं 2:30 तक मैं सोऊंगा, फिर मतलब 8:30 उठ जाऊँगा, पता नहीं क्या शेड्यूल हो रखा है मेरा। सो गाइस, आज है डे 2 एंड अभी जिस मैं फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा रहा था, मैंने और अमन ने प्लान करा था कि हम खिंचवाएंगे मतलब हम आज वीडियोज़ बनाएंगे काफ़ी सारी, बट आज मेरा सुबह सुबह टेस्ट रख दिया था मेरी ट्यूशन में जो कि काफ़ी हार्ड चैप्टर का था, एंड अब हम शाम को फोटोज़ क्लिक करें क्योंकि सारी ट्यूशन सुबह नहीं पड़ चुकी हैं, और मेरा भाई अभी थोड़ा बिजी है। अभी उठाओ, इसने उठाते ही मेरे को यहाँ ले आया। यार तुम इसका लॉजिक देखो, कोई बंदा 3 बजे कैसे उठ सकता है, चलो ठीक है 12-1, ये बंदा 3 या 4 बजे उठता और फिर बोलता तुमने मेरी नींद ख़राब कर दी। लॉजिक है इस बात का कोई, मतलब इसने ना उठ के नींद खराब नहीं करी, मेरे को भूख लग रही थी, मेरे को खाना खाना था। तो थोड़ा तो शेड्यूल सही कर ब्रो, ऐसे नहीं चलता इतना, मतलब कोई नहीं कर सकता 3 बजे, कौन उठता है। तूने तो राक्षस को क्या बोलते हैं, राक्षस को भी पीछे छोड़ दिया। फोटोज खिंचवाने के बाद मतलब मेरे को काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, एक्चुअली मेरी मैथ्स की क्लास थी, तो मैं एकदम भागा अपनी ट्यूशन के लिए। एंड फिर उसके बाद घर आया तो भाई आज ना एक्चुअली क्या हुआ, मेरा ना शेड्यूल था ऐसा कुछ कि मैं सुबह सुबह वीडियोज़ बना लूँगा एंड अपना शाम को ट्यूशन्स वगैरह, बट आज ये हुआ कि आज मेरी सुबह सुबह ट्यूशन्स हो गई सारी,
तो उस चक्कर में आज वीडियोज़ नहीं बन पाई, सिर्फ मैं फोटोज ही क्लिक कर पाया एंड आज एक मैंने रील नहीं बनाई, पुरानी वीडियो अपलोड कर दी है। और अभी जस्ट फिर उसके बाद मैथ्स की ट्यूशन के आने के बाद मैं सो गया था एंड अब मैं सोच रहा हूँ कि मैंने ना मतलब ये सोचा कि मैं 10 से लेकर 12 बजे तक अपना थोड़ा बहुत पढ़ लिया करूँगा, क्योंकि मैं अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा था, जो पढ़ रहा था सिर्फ ट्यूशन में पढ़ रहा था। तो अभी जस्ट मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ। सो ये देखो, ये मैं अभी सैम्पल पेपर लाया हूँ मैथ्स की, ये है तो ये सब कुछ ही मैथ्स की, सॉरी ये तो इंग्लिश की है मेरी, ये मैथ्स की है और एक मैंने ये ली थी, अब इन दोनों के वो करूँगा मैं। तो या थोड़ा बहुत होमवर्क मिला हुआ है आज, वो कंप्लीट करते हैं एंड उसके बाद थोड़ी सी केमिस्ट्री पढ़ूंगा, क्योंकि मेरी केमिस्ट्री सबसे वीक है। एक तो ना ये मैथ्स का ट्राइंगल्स और एक आधे चैप्टर और है, और ये केमिस्ट्री तो भाई सब पल्ले ही नहीं पड़ती है, बहुत गंदे सब्जेक्ट लगते हैं मुझे। मैथ्स पहले मेरा फेवरेट था पता है, अब नहीं लगता, जब से ट्राइंगल्स और ये सब पढ़ रहा हूँ ना बिल्कुल नहीं लगता, सच बता रहा हूँ, बहुत गंदे चैप्टर ऐसे हैं जो मेरे को पढ़ने देने ही नहीं, मतलब अभी स्टार्ट कर रहा था और ये बंदा आ गया। मैंने कहा व्लॉग करते रहो, कम ऑन। अच्छा मैं व्लॉग ऑलरेडी कर रहा हूँ। मतलब ऐसे से बंद कर दूँ? नहीं होगा, वो खराब हो चुका है, फोटो खींच जाएगी। नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, खराब हो गया वो। चलो कोई बात नहीं, बाय ब्रो, हम घूमने जा रहे हैं। मेरे को तो ले जान दे यार, पता है एक तो एग्जाम्स आ रहे हैं ना, मैं कहीं घूमने भी नहीं जा सकता, मेरे को पढ़ना पड़ता है, बहुत बुरे हाल हो जाते हैं। इसके तो कॉलेज भी मतलब इसका थर्ड ईयर है, उसमें भी ढंग से जा नहीं रहा। मेरा ऑनलाइन चल रहा है ब्रो, ऑनलाइन। ऑनलाइन चल रहा है, हमारी ऑफलाइन कर दी, हम बच्चे नहीं हैं, ये बच्चे हैं। व्हाट इज दिस बिहेवियर? बाय। मैंने सोचा था तो मैं पढ़ लूँगा, बट आकाश भाई ने मुझे ऑफर कर दिया गेड़ी के लिए, तो मैं गेड़ी मारने आ गया इनके साथ। मतलब अमन ने तो मना कर दिया था, फिर आकाश भाई ने कहा आजा तुझे घुमा लाता हूँ, तो फिर मैं इनके साथ आ चुका हूँ। तो गाइस अभी आ चुका हूँ घर वापस एंड अरे पंखा चल गया एंड अब करेंगे फाइनली पढ़ाई। वैसे मेरा मैथ्स करने का मन नहीं कर रहा, तो मैं ना शायद केमिस्ट्री करूँगा अभी, और वैसे मेरा संडे को केमिस्ट्री का टेस्ट है, तो आज केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, मैथ्स बाद में कर लेंगे। मैथ्स करने का मन नहीं, क्योंकि मैं ट्राइंगल से बहुत ज़्यादा पक चुका हूँ, मैं दो दिन से वही कर रहा था, तो आज केमिस्ट्री करते हैं। फिलहाल अभी मैं पढ़ चुका हूँ, काफ़ चुका हूँ एंड पता नहीं यार मेरे को केमिस्ट्री बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, समझ ही नहीं आती, एंड इवन फिजिक्स तो आ जाती है बट केमिस्ट्री नहीं आती। वैसे आपका भी सेम हाल है मेरे को बताना ज़रूर, क्योंकि मेरे को फिजिक्स तो मतलब अच्छे से समझ आ जाती है, बट केमिस्ट्री मैं कितना ट्राई कर लूँ मुझे समझ नहीं आती। आज भी मैंने ट्राई तो करा, एक तरीके से रट्टा ही मार रहा हूँ मैं, तो मैं क्या करूँगा ये समझ ही नहीं आती। एक केमिस्ट्री में तो बुरा हाल है मेरा, बाकी तो सब्जेक्ट्स हो भी जाते हैं एक बारी को, बट केमिस्ट्री पता नहीं मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आती, ना मेरे को नाइन्थ में आती ना मुझे टेंथ में आती है केमिस्ट्री में, तो मेरा बेड़ा करके देखो, मेरे साइंस ही मार्क्स सबसे ख़राब करेगी। तो अभी फ़िलहाल मैंने ये वाला चैप्टर निपटा लिया है एंड अभी काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो चुका है, तो बस मैं अभी सोऊंगा एंड कल सुबह जिम जाना है, तो फिर मैं सुबह मिलता हूँ। गुड नाइट। सो गाइस गुड मॉर्निंग एंड आज डे 3 है एंड मैं जस्ट अभी भी उठाऊँ जिम के लिए, और अभी फ़िलहाल मैं एप्पल वगैरह खाऊंगा एंड देन अपना थोड़ा सामान वगैरह रख के जिम के लिए जाता हूँ। तो फिलहाल एप्पल वगैरह खा लेता हूँ अभी एंड फेस वॉश वगैरह कर लेता हूँ। मेरे बाल ऐसे लग रहे हैं ना जैसे अभी अभी मैं शॉक खा कर आया हूँ एंड अभी फ़िलहाल मैंने ना मतलब अपनी टी शर्ट चेंज कर लिया एंड अभी मैं शूज़ पहन लगा। हम वर्कआउट कर चुके हैं एंड अब हम जा रहे हैं घर। यस आने के बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करा एंड अभी जस्ट मैंने अपना शेक बनाया, और भाई साहब ये बहुत ही गंदा है, मतलब इसमें ना मतलब मेरे को सीड्स वगैरह डालनी पड़ जाती है, सनफ्लावर सीड्स जो आज तक सुनी भी नहीं वो खानी पड़ रही हैं। वो एक्चुअली मेरा डाइट चल रही है आजकल, तो मैं ज़रा आजकल डाइट ले रहा हूँ प्रॉपर, तो अजीब अजीब सी सीड्स खानी पड़ती है सुबह सुबह, चिया सीड्स एंड अब ये सनफ्लावर सीड्स वगैरह, तो काफ़ी बेकार है। फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ स्टूडियो वीडियोस वगैरह बनाने एंड मैं दिखाता हूँ मैं कितना सारा सामान ले जा रहा हूँ फिलहाल। ये देखो इस वाले बैग में सारा कपड़े वगैरह रखे हुए हैं एंड ये वाला देख रहे हो, इसमें मेरी ट्यूशन की बुक्स वगैरह हैं, क्योंकि वीडियो बनाने के बाद डायरेक्ट मैं ट्यूशन चला जाऊँगा, वहाँ से अमन मुझे छोड़ देगा एंड अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ वीडियो बनाने, तो देखते हैं क्या क्या बनाऊँगा, और काफ़ी सारी एक ही दिन में क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो
बैकअप बना के रखना पड़ रहा है। तो यस चलते हैं। एचक अबे मेरे हाथ में तो देख कितना सामान है, मतलब इसे शर्म नहीं आ रही। अभी मेरे हाथ में एक कैमरा, एक इतना बड़ा बैग है, और दूसरा ये बैग है, और तीसरा है मेरे को ये फाइल दे रहा है। ये देखो अभी भी शर्म नहीं आ रही। अरे तेरे को अपना बैग तो मेरे को देना पड़ेगा ना, ऐसा बेशरम इंसान है। अपने आप से ले जा। आ चुका हूँ एंड मैंने अपनी वीडियो तो शूट कर ली। अभी फिलहाल मैं पनीर खा रहा हूँ क्योंकि मेरी लाइट जल रही है, एंड अब सेकंड वीडियो शूट करेंगे तो वो अंदर की तरफ करेंगे, बाहर वाली हो गई, अब अंदर जाएंगे वहाँ पे करेंगे। अभी मेरे लिए ना घर से खाना लेके आया है, अब बिकॉज मैं तो यहाँ वीडियो बना रहा था, इसने कहा कि चल मैं ले आता हूँ खाना देर ले। और ये देखो ऐसे खाना पड़ रहा है खाना भी दुकानदार बना दिया शॉप पे ना। पापा ऐसे ही खाते हैं, मतलब घर से जाता है खाना और पापा शॉप पे बैठ के खाते हैं, तो आज हम वही कर रहे हैं सेम। देखा एंड फिलहाल अभी मैं राजमा चावल खा रहा हूँ। देखो डाइट हो तो ऐसी हो, राजमा चावल खाने को मिलते हैं, छोले चावल खाने को मिलते हैं, और क्या मिलता है, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि मैंने तो वेट गेन करना है, उसने भी वेट गेन करना है। जिनको वेट लूज़ करना होता है उन्हें सबको, मैं डाइट नहीं लेता वैसे। हाँ ये डाइट वैसे नहीं ले रहा, बट यार वेट गेन के लिए अच्छा है सब कुछ, बट जिन्हें वेट गेन मतलब वेट लूज़ करना होता है उनको ये सब कुछ अवॉइड करना होता है, तो सो सैड। दो ट्रांजिशन वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी, एंड मैंने सोचा था अंदर बनाऊंगा, बट मैंने यहाँ पे बना ली बाहर, मतलब यहाँ पे ये प्लांट्स रखा एंड यहाँ पे चेयर लगा के अपना अच्छी बन गई मेरी फाइनली। एंड अब बस समेटने का टाइम आ चुका है, सब कुछ समेटता हूँ। ये देखो ये सब कुछ फैला हुआ है, ये बाहर फैला हुआ है, अंदर भी सब कुछ फैला हुआ है, ये देखो सब फैला हुआ है, ये समेटता हूँ एंड यहीं से डायरेक्ट मैं ट्यूशन जा रहा हूँ, और अमन ये सामान घर पर ले जाएगा, तो अभी थोड़ा सा समेट लेता हूँ मैं। मैंने उस वाले बैग में पैक कर दिया है, अब बस अमन इसे घर ले जाएगा और मैं जाता हूँ ट्यूशन। काफ़ी लेट भी हो चुका है, बस अभी मैं निकल रहा हूँ ट्यूशन के लिए, तो मैं आप सबको ट्यूशन से आने के बाद ही मिलता हूँ, क्योंकि ट्यूशन में कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, अगर रिकॉर्ड करने बैठ गए ना जूते पड़ेंगे। ट्यूशन आने से मतलब ट्यूशन के आने के बाद मिलता हूँ, बाय। अभी फिलहाल मैं सारी ट्यूशन लेके घर आ चुका हूँ, एंड मैं आपको एक आज ट्यूशन की चीज़ बताता हूँ, मतलब मैथ्स के ट्यूशन में मैं बैठा हुआ था एंड मैम ना ट्रिग्नोमेट्री कराई थी, मेरे को लग रहा था मैंने पेपर दिया तो मेरे को सब कुछ याद होगा, और जब मैंने पहला क्वेश्चन ही करा मतलब मैं पूरा ब्लैंक था आज, पता नहीं मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, कुछ याद नहीं है, और मैं इतना कॉन्फिडेंटली था कि मैम मेरे को सब आता है, और इतनी गंदी बेइज्जती हुई ना आज मेरी कि वो बोल रही है तेरे को सब आता था, तो आज बहुत गंदी बेइज्जती है। एंड अभी जस्ट मैं ऊपर आया हूँ, एंड मैंने ना यूट्यूब पे ही एक अपना शॉर्ट चैनल बनाया, तो अभी हम उसका ही काम कर रहे थे अमन और मैं, अपलोडिंग वगैरह कर रहे हैं, एंड उस पर ना मेरी बहुत सारी वीडियोस आएंगी, कुछ तो वो वाली होंगी जो आप इंस्टा पे नहीं देखते वो यूट्यूब पे मिलेंगी, और कुछ मतलब नई नई टाइप की और इंस्टा वाली भी दिखती रहेंगी कुछ ना कुछ, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यहीं पे ही दिख जाएगा आपको चैनल, सो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड अभी फ़िलहाल ये मेरा भाई हेल्प करवा रहा है मेरी, मतलब फ़िलहाल आजकल ये मेरी ये मेरी अपलोडिंग में काफ़ी हेल्प कराता है, तो या आजकल ही करा रहा हूँ, पेपर है तेरे इसलिए। हाँ इसने मेरे को कहा कि जब तक तेरे पेपर है तब तक मैं हेल्प कराऊंगा, उसके बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर फेंकूंगा ऐसे, उसके बाद से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ जाएगी, तो मैं खुद करूँगा कोई बात नहीं। एंड देखो बड़े पापा हैं यहाँ पे, हाय। चलो भाई करो भाई मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया मेरा। गलती से इन्फ्लुएंसर बन गया तू, गलती से तेरी डांट से, ये बोलते मेरी डांट से इन्फ्लुएंसर बन गया तू, मेरी गलती थी जो तेरे को इन्फ्लुएंसर बनाया। ओह माय गॉड, कोई बात नहीं, इस नोनी के सामान ने दुखी कर रखा है, मतलब चंडीगढ़ इसने जाना है, मतलब बाहर इसने जाना है, और ये देखो सामान कैसे फैला रखा है इसने ना, अभी दो तीन दिनों में चंडीगढ़ जाना है, मतलब इसने अपना इसकी मतलब कॉलेज वगैरह वहीं पे है, तो अभी वहीं शिफ्ट हो रही है, तो देखो कैसे सामान फैला रखा है, इसे भी लेके जाइए अपने चोमू को, पागल है क्या। बेसिकली ना ये जाएगी ना तो रूम मेरा हो जाएगा, वैसे इसका है बटन मेरा हो जाएगा वापिस से, बसने जा रही है क्या, तीन चार साल बदतमीज लड़की है, तो चल इसे साइड कर,
सो गाइस आज है डे 4 हमारा एंड अभी फिलहाल 4 बज रहे हैं एंड मेरी साइंस की ट्यूशन की छुट्टी हो गई. मैं सिर्फ एक ट्यूशन गया हूँ इधर एंड एक ट्यूशन की छुट्टी हो गई और एक अब मैथ्स जाना है. तो या एंड अभी जस्ट मैं पता क्या कर रहा था, छुट्टी है तो आराम तो मिलेगा नहीं, तो मैंने सोचा कि मैथ्स का थोड़ा सा ये कर लेता हूँ जो मैं आप सबको कल बता रहा था. ट्रिग्नोमेट्री की याद कर रहा हूँ, सारे फॉर्मूलाज वगैरह क्या क्या है सब कुछ, क्योंकि कल मैं सब कुछ ब्लैंक था तो मैं हमने कहा कल सब कुछ लर्न करके आई हो, तो आज लर्न कर रहा हूँ एंड साथ साथ मैं अपने फ्रूट्स वगैरह खा रहा था, डाइट वगैरह ले रहा था इसके साथ ही, तो साथ साथ पढ़ रहा हूँ और साथ साथ ये कर रहा हूँ. बस सब जो मेरे को कीवी ना डाइट के चक्कर में खानी पड़ रही है, वरना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई. पता नहीं कैसे खा लेते हैं लोग, मेरे को भी बिल्कुल पसंद नहीं आई सच्ची. एक बार को ऑरेंज बहुत टेस्टी लग रहे हैं तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक कीवी खा रहा हूँ उसके बाद ऑरेंज खा रहा हूँ जिससे टेस्ट वापस से सही हो जाए, फिर कीवी खा रहा हूँ फिर ऑरेंज खा रहा हूँ. ऐसे नहीं खा रहा कि पहले एक खा लिया सब कुछ, एक एक करके खा रहा हूँ. अभी कीवी खाऊंगा फिर ऑरेंज खाऊंगा, ऐसे चल रहा है. मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई ये, पता नहीं कैसे खा लेते हैं लोग. ट्यूशन वगैरह सबसे आ चुका हूँ मैं एंड अभी देखो नोनी भी बैठी है आई एंड इसकी पैकिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी है चंडीगढ़ की. एंड मैं ना आप सबको इसकी एक सुबह की बात बताता हूँ, मैंने बतानी थी नहीं, तो मैं ना इसकी एक सुबह की बात बताता हूँ. मैं ना दूसरे रूम में बैठा था और ये यहाँ पे सो रही थी इस रूम में एंड इसकी एकदम से आवाज़ आई जैसे कोई डंडे की आवाज़ होती है एंड मैं इस रूम में आया, ये यहाँ पे सो रही थी. मैंने कहा क्या हुआ, तो कहती शेर आ गया था. तो फिर मैंने कहा रुक जा मैं शेर को ना मार के आता हूँ तो सो जा, कहती ठीक है. मतलब कोई बंदा कैसे, और फिर मेरे को उठ के बता रही है कि मेरे ना सपने में शेर आ गया था और कुत्ता आ गया था, दोनों ना मेरे ऊपर चढ़ गए थे. तो ये इतनी जोर से चिल्लाई ना जैसे पता नहीं इसको क्या होगा. मैं इसे आराम से बोल रहा हूँ रुक तू बैठ, मैं शेर को मार के आ रहा हूँ, मैं सामने से आ रहा हूँ उस रूम से. और भाई साहब इसको इतना डर लगा था ना सुबह एंड सुबह से मैं इसको इसी बात पे चिढ़ा रहा हूँ कि शेर को मार के आ गया था मैं. वैसे तो आज डे 4 है बट मैं सोच रहा हूँ ये वाले ब्लॉग को ही एंड कर देते हैं बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि ना 1 वीक का मेरे को लगता नहीं था कि इतना लंबा खिंचेगा बट ये काफ़ी ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा, मतलब ज़्यादा ही देर का हो जाएगा है. एंड वैसे आप सबको इतना कुछ खास दिखा नहीं होगा, सॉरी, क्योंकि मैंने ज़्यादातर वही दिखाया कि मैं ट्यूशन से आ रहा हूँ, ट्यूशन से जा रहा हूँ, ट्यूशन से आ रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरी लाइफ में चल ही रहा है. मैंने और कुछ एक्स्ट्रा में कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं आप सबको वो भी दिखाऊँ कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी. मेरा सुबह से ये शेड्यूल रहता है कि मैं सुबह उठता हूँ, वीडियोज़ बनाता हूँ एंड देन ट्यूशन जाता हूँ, ट्यूशन से आता हूँ, आधा टाइम तो ट्यूशन में रहता हूँ, इसलिए कुछ बीच का रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ. बट या मैंने वो भी आप सबको एक बार दिखा दिया कि अभी फिलहाल मेरी लाइफ कैसी चल रही है, एग्जाम्स के बाद ये थोड़ी सी अलग हो जाएगी. एंड आई होप आप सबको पसंद आया और दिख गया होगा कि मेरी हालत कैसी हो जाती है एग्जाम से कुछ दिन पहले और एग्जाम वाला तो मैंने दिखाई दिया था. बट या एक ब्लॉग मैं बोर्ड्स के एग्जाम्स का भी जरूर बनाऊंगा कि उस टाइम मेरी क्या हालत होती है एंड वो जरूर देखना एंड वो काफ़ी सारे रिलेट भी कर पाओगे. सो या एंड आई होप आप सबको ये ब्लॉग पसंद आया. सो अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, वो तो आप कर ही देते हो एंड जल्दी 200K भी करा दो यार जल्दी जल्दी, अब तो रेगुलर ब्लॉग्स डाल रहा हूँ. सो या बाय बाय टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग.